नमस्कार साथियों, तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे कि कारीगरों का जीवन संवारेगी पीएम विश्वकर्मा योजना, और 1.88 लाख करोड़ की योजनाओं पर केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। 18 प्रकार के कारीगरों व शिल्पकारों को मिलेगा लाभ, ऋण भी मुहैया कराएगी सरकार, और 5 साल में 30 लाख परिवारों होंगे इससे लाभान्वित। पहले साल 6 लाख को लाभ मिलेगा। और आप देखें कि 10,000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी छोटे बड़े शहरों में। ये भी आप देखते हैं, एक बात हो रही है पीएम ई बस सेवा योजना की, 181 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की राह खोलकर वहाँ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही है। और इस योजना के जरिए पीपीपी सरकारी निजी साझेदारी मॉडल से 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को छोटे बड़े शहरों में चलाने की बात हो रही है। और इससे आप देखिए 55,000 लोगों को सीधे तौर पर नौकरी मिलने की संभावना भी है। और ये योजना है, आप लोग देख लीजिए क्या होगा और आवंटन क्या रहेगा इसमें। पीएम ई बस सेवा, 181 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। और आप देखते हैं कि आवंटन इसके लिए 57,613 करोड़ रुपए की बात हो रही है। रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना, रेल नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की बढ़ोतरी, 32,500 करोड़ रुपए आवंटन किया गया इसके लिए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ढांचागत सिस्टम मजबूत होगा इससे, 14,903 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना, पारंपरिक कारीगरों की मदद के लिए 13,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटन किया गया है। तो इन योजनाओं के बारे में जरूर याद रखिए, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। दिल्ली के एलजी ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति। एक बात और आप लोगों को बता दूं, परेशानी यह है कि दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश और इसकी राजधानी नई दिल्ली है दिल्ली की, और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आप देखिए वास्तविक जो शक्तियां होनी चाहिए मुख्यमंत्री के पास, लेकिन वो आप देखते हैं कि यहाँ राज्यपाल के पास हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसलिए आप देखते हैं कि इसमें विवाद चलता रहता है यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच। नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर भड़की कांग्रेस, नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी करने का फैसले पर कांग्रेस ने इतराज जताया है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि नाम बदलने की परंपरा काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। मणिपुर हिंसा का जांच करेंगे सीबीआई के 53 अधिकारी। ये आप देखिए मणिपुर में जो जातीय हिंसा हुई है उसी की बात हो रही है, और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो गई। इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करेगी कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह रही है। और आप देखिए कि राहुल गांधी और खड़गे की पार्टी की दिल्ली इकाई के साथ बैठक, दिल्ली में आप और केंद्र में भाजपा सरकार का करेंगे विरोध। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि आप देखिए फिर अगर ऐसा हुआ 7ों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, तो फिर इनका जो गठबंधन इंडिया में आम आदमी पार्टी की शामिल होने की बात हो रही थी उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2000 कब है चुनाव, 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है। लोकसभा में आप देखते हैं कि टोटल कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। अगर आपकी उम्र कितनी 25 साल हो चुकी है तो आप सभी चुनाव भी लड़ सकते हैं लोकसभा का। पाक में ईश निंदा के आरोप में कई चर्चों में आगजनी, ये आप देखिए पाकिस्तान में ईश्वर की निंदा की बात हो रही है। ठीक है, और पाकिस्तान है तो कुछ भी हो सकता है। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है उससे। चंद्रमा की सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3, यान की कक्षा में अंतिम बदलाव। चंद्रमा की सतह से अब सिर्फ करीब 153 किलोमीटर दूर है यान। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान गुरुवार को यान से होंगे अलग, और 23 अगस्त को लैंडर रोवर की चंद्रमा की सतह पर कराई जाएगी सॉफ्ट लैंडिंग। इससे अच्छी बात है, देखते हैं।
वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंची ईडी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और उद्यमी रॉबर्ट वाड्रा को दी गई अंतरिम जमानत को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जांच एजेंसी ने वाड्रा द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। और आप लोगों को बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना, ठीक है? तो उसी की बाकी आप देख रहे हैं कि हिमाचल में फिर दर के पहाड़। 4 दिन में आप देखिए 67 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हिमाचल प्रदेश आप लोग देखें ना, तो ये आप लोगों को हिमाचल देखने को मिल जाएगा। शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। और आप देखिए इसकी राज्यों में सीमा लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। यहाँ आप देखते हैं कि राज्य के रूप में जिससे कब बनाया गया था, 25 जनवरी 1971 में। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी भाषा का फैसलों में ना हो इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दलीलों और फैसलों में प्रोस्टिट्यूट होकर मिस्टेस जैसे 43 शब्द वर्जित हैं कहा जा रहा है, ठीक है? हरेसमेंट हो गया, इसमें आप देखते हैं सेक्स वर्कर, होम मेकर शब्द का इस्तेमाल होगा इसमें। टीजिंग, हुकर या फिर प्रोस्टिट्यूट व हाउस वाइफ जैसे शब्दों की जगह क्रमशः ये सब होंगे, ठीक है? सेना को गति शक्ति देगी लद्दाख की विश्व की सबसे ऊंची सड़क, 19,400 फीट ऊंची लिकारू मिगला फोक्चे सड़क बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा बीआरओ, और पर्यटकों की आकर्षण का भी केंद्र होगा ये। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चीन से लगती LAC से मात्र 3 किलोमीटर दूरी की किलोमीटर दूरी बनेगी नई सड़क, आसानी से पहुंचेगी भारतीय सैन्य उपकरण, वायुसेना को भी मिलेगी इससे मजबूती। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप देखेंगे 7 मई 1960 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। डीयू में नए सत्र के पहले दिन दोस्तों व अभिभावक के साथ पहुंचे छात्र, आप देखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने असम परिसीमन की अधिसूचना को दी मंजूरी, आप देखेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दी है। और आप देखते हैं कि 11 अगस्त को चुनाव आयोग ने राज्य के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें आप देखिए विधानसभा क्षेत्रों 126, लोकसभा क्षेत्र 14 की संख्या में बदलाव नहीं किया गया था इसमें। हालांकि 19 विधानसभा व 1 लोकसभा क्षेत्र का नाम बदला गया था इसमें। और आप देखेंगे कि इसमें 19 विधानसभा व 2 लोकसभा क्षेत्रों का अनुसूचित जनजाति और 9 विधानसभा एवं 1 लोकसभा क्षेत्र की को अनुसूचित जाति की लिए आरक्षण भी किया गया है। और आप लोगों को बता दूं, यहाँ चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और भारतीय निर्वाचन आयोग भी कहते हैं इसे। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इसमें आप देखते हैं कि संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। असम की बात करें तो दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, भूटान और बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इसकी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें ये आपको बताया ना, रेलवे की 7 मल्टीटेकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। 32,500 करोड़ की लागत से रेल्वे नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर का होगा विस्तार। गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर के बीच मौजूदा ट्रैक के दोहरीकरण पर खर्च होंगे 1,270। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के लिए 14,903 करोड़ की मंजूरी मिली है। 6.25 लाख IT प्रोफेशनल्स
2.65 लाख अन्य लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग। उमंग ऐप पर 540 नई सेवाएं शुरू होगी और अभी इस पर 1700 सेवाएं हैं और 1200 स्टार्टअप को मिलेगी मदद। कारोबार के लिए डिजी लॉकर से सत्यापन भी की बात हो रही है। गांधीनगर पहुंचे WHO के महानिदेशक घेब्रेयेसस ने किया डांडिया। ये आप देखिए WHO के बारे में याद रखिए, इस तरह के जो भी संगठन है उनके बारे में जरूरी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इनसे आप देखते हैं कि हर साल आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वाजपेयी के नेतृत्व से देश को हुआ बहुत फायदा, मोदी साहब करें। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि थी ना, उसी पर आप देखते हैं प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगी भारतीय वायुसेना, 12 देश लेंगे इसमें भाग। भारतीय वायुसेना अगले वर्ष बहुपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगी। इस अभ्यास में 12 देशों की वायुसेनाएं भाग लेंगी और रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया कि तरंग शक्ति अभ्यास 2024 के मध्य में आयोजित की जाने की संभावना है। तरंग शक्ति आप लोग याद रखिएगा इसमें। और आप देखेंगे कि इसमें इस वर्ष आयोजित किए जाने वाले कई देशों की वायुसेना ने अभ्यास में भाग नहीं लेने पाने की असमर्थता जताई थी। अभ्यास में फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की वायुसेनाएं भाग लेंगे। तरंग शक्ति में 6 देश अपने लड़ाकू विमानों, सैन्य परिवहन विभाग विमान और हवा में ईंधन भरने वाले उपकरणों के साथ भाग लेंगे। वहीं 6 अन्य देशों के पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। वह भारत में अब तक आयोजित सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा और गत अप्रैल में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन सैन्य अड्डे पर बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास के लिए अपने 4 राफेल विमान, 2 C-17 विमान और मध्य हवा में ईंधन भरने वाले 2 2 IL-78 विमान भेजे थे। इसमें सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू कर रही बोइंग। अगले वर्ष की जानी है इन 6 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति। और AH-64 अभी भी दुनिया का प्रमुख अटैक हेलीकॉप्टर है। खुले माहौल में हुई भारत से सैन्य स्तर की बात, चाइना कह रहा है। ये चाइना की बात करें तो पड़ोसी है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आप देखते चाहे अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए, लद्दाख को देख लीजिए, दोनों पर आप देखते हैं कि अपना कब्जे की बात करता रहता है। राज्यों ने जुलाई में 69,523 शिकायतों का किया निवारण, एक कार्मिक मंत्रालय ने कहा है। मोदी और जयशंकर से मिले अमेरिकी सांसद, ये देख लीजिए। नौसेना के लिए 5 पोतों के निर्माण को मंजूरी, हिंदुस्तान शिप गार्ड बनाएगा इसमें आप देखेंगे। क्या संसद राष्ट्रपति शासन के दौरान जम्मू कश्मीर को बांट सकती है? ये जम्मू कश्मीर पीपुल्स कांग्रेस के वकील धवन ने दी दलील, कहा कि राज्यों की सीमाएं बदलने को विधानसभा को मामला भेजते हैं। ये आप देखिए 370 हट चुका है ना 35 से, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 370 पर महबूबा मुफ्ती को याद है, भगवान श्री राम। अब उनकी राजनीति भी उसी पर होती थी पूरी। ये सब आप देखते हैं राजनीति की खबरें हैं, आरोप प्रत्यारोप खूब चलता है। DRDO के पूर्व प्रमुख BS अरुणाचलम का अमेरिका में निधन हो गए। ये आप देखिए 87 साल के थे। अरुणाचलम 1982 से 92 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। और आप देखिए इंजीनियरिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी में अरुणाचलम के योगदान के लिए उन्हें 1980 में शांति स्वरूप भट्ट का नागर पुरस्कार, 1985 में पद्म विभूषण और 1990 में आप देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। DRDO के बारे में याद रखिए, इसे क्या कहते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा।
नशीली दवाओं से आत्महत्या के मामले 3 गुना बढ़े। आप देखेंगे 26 वर्ष पूर्व आत्महत्या के 5.11% मामले का कारण मानसिक बीमारियां व नशीली दवाएं थी। अब आप देखिए 14.8% मामलों में बना है यह कारण। एम्स द्वारा किए गए अध्ययन से ये सामने बात आई हुई है। मानसिक बीमारी के कारण आत्महत्या के मामले 1995 में आप देखिए 4.43, ये आप देखते हैं सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं। और 2021 में आप देखिए 8.16 पहुंच चुका है। महिलाओं में आप देखिए 3.83 था 1995 में, अब आप देखते हैं कि क्या हो गया, 9.5 हो गया। इसी तरह से नशीली तबाक इस्तेमाल के कारण आत्महत्या के केस 1995 में आप देखें 1.14% था पुरुषों का, अब 2021 में 8.00, ये आप देखते हैं कि कितना, 64 हो गया। महिलाओं में 0.40 और आप देखते हैं यहाँ 0.61 हुआ है। ये महिलाओं पर अत्याचार से निपटने का कर रहे हैं प्रयास, ये आप लोग देखिए मणिपुर पे ही आप देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है। और आप देखिए अगर हम लोग बात करें एनसीडब्ल्यू की तो आप देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात हो रही है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जयंती पटनायक इसकी पहले अध्यक्ष थी, अभी कौन है ये आप लोग बताइएगा। राहुल गांधी रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य नामित किए गए हैं। ये अयोध्या चित्रकूट का मिलन कराएगी तुलसी एक्सप्रेस। मुंबई में गणपति की शोभा यात्रा में उमड़े लोग, आप देख सकते हैं। 114 वर्ष बाद बलिदानी मदन को मिला अपना वतन, आप देखेंगे। ये आप देखिए मदन लाल ढींगरा की स्मृति में अमृतसर के गोल बाग में बनाया गया बलिदानी स्मारक। 1909 में लंदन जाकर अंग्रेजी अधिकारी कर्जन वायली को सुलाया था मौत के घाट इन्होंने। 1976 में भारत लाई गई थी इनकी अस्थियां, ये भी आप लोग याद रखिए। और 17 अगस्त 1909 को आप देखते हैं इन्हें ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। पहला जत्था पुंछ में ये 19 को बाबा बुड्ढा अमरनाथ के करेगा दर्शन। ये किसने जन्मभूमि के पास अतिक्रमण ढाहने पर लगी 10 दिन तक रोक, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। ये आप देखिए मथुरा में आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के बीच भी विवाद बना हुआ है, वो भी कोर्ट में ही चल रहा है। ये सब आप देखते हैं कि चल रहा है। ये पंचतत्व में विलीन हुए सुलभ के संस्थापक बिंदुसर पाठक, इनका जन्म 2 अप्रैल 1943 में हुआ था, ये भी याद रखें। 1970 में आप देखिए सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कर उन्होंने नागरिकों को स्वच्छ शौचालय की सुविधा देने की मुहिम छेड़ी थी। ये सार्वजनिक स्थानों पर कम समय में सुगमता से होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग। आईआईटी दिल्ली और आप देखते हैं कि आईआईएम लखनऊ से जुड़े स्टार्टअप का निवेश और केंद्र सरकार की योजना से मिली आर्थिक सहायता। और आप देखते हैं कि वायरलेस चार्जर बनाने वाले स्टार्टअप के संस्थापक रॉबिन सिंह कहते हैं कि यह इंडक्शन तकनीक पर कार्य करता है। जमीन में ट्रांसमीटर और वाहन में रिसीवर लगा होता है। ट्रांसमीटर के संपर्क में आते ही रिसीवर के माध्यम से चार्जिंग शुरू हो जाती है और ट्रांसमीटर प्लेट यूनिवर्सल होती है, इस पर किसी भी कंपनी के रिसीवर से वाहन चार्ज हो जाएगा। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल वाला इसे भी देख लिया करेगा। ये प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा में आपको हर जगह मदद करता है। देश हित और दल हित के बीच का अंतर, ये लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा लेकिन कुछ अनकहा रह गया। उनके विरोधियों को इसी अनकहे से उम्मीद थी और मोदी ने उन्हें हमला करने का औजार नहीं दिया। उन्होंने लाल किले से ना तो विपक्षी दलों पर हमला किया और ना ही आप देखिए लोकसभा चुनाव की बात की। बहुत से लोगों को लग
सकता है कि यह संबोधन राजनीतिक था, मगर वास्तविकता यही है कि यह संबोधन भारत के भविष्य की झलक दिखाने वाला था। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2047 में भारत की आज़ादी के 70वीं वर्ष में देश को कहाँ देखना चाहते हैं और उसका रास्ता क्या होगा। मोदी विरोधी उन्हें 2024 में उलझा हुआ देखना चाहते हैं। मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देश और अपने विरोधियों को बताया कि वह 2024 की चिंताओं को कब कब का पीछे छोड़कर आगे निकल गए हैं। हाँ, उन्होंने देशवासियों को चिताया जरूर है कि 1000 साल पहले एक राजा हारा था और देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया था। चेतावनी थी कि इतिहास से सबक सीखो और उस गलती को दोहराना मत, क्योंकि अगले 5 साल में मोदी जो कुछ करने की योजना बनाए हुए है वह आने वाले 1000 वर्षों तक प्रभाव डालने वाले वाले कामों की नींव रखेगा। देश अमृत महोत्सव से अमृत काल में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जब तीन चुनौतियों भ्रष्टाचार वंशवाद तुष्टिकरण का उल्लेख किया तो लगा कि विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। हालांकि ऐसा सोचना उनके संबोधन की गुरुता को कम करने जैसा होगा। मोदी देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों की बात कर रहे थे और ये चुनौतियां देश के विकास, सामाजिक न्याय और आप देखिए सबको समान अवसर देने के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। और यह अलग बात है कि देश के अधिकांश विपक्षी दल इन इन बुरी प्रवृत्तियों के शिकार भी हैं। प्रधानमंत्री देश के बारे में सोच रहे हैं, विपक्ष दलीय आग्रह से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। मोदी की नज़र में विपक्ष कोई चुनौती नहीं है। हाँ, इन बुरी प्रवृत्तियों को दूर करने में बाधक जरूर है। मोदी की सोच में 2024 का लोकसभा चुनाव एक लंबे सफर में छोटा सा पड़ाव है। विपक्ष के लिए यह पड़ाव नहीं लक्ष्य है, यह है दोनों की सोच का अंतर। एक देश से कम कुछ सोचने को तैयार नहीं है और दूसरे दलगत हिस्से ऊपर उठने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री देश में 2 करोड़ महिला लखपति बनाने का लक्ष्य जल्द हासिल करना चाहते हैं। उनके विरोधी सीटों के तालमेल की समस्या में उलझे हुए हैं। मोदी 2047 में भारत को विकसित देश की श्रेणी में देखना चाहते हैं और अगले 5 साल में देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है वह तो अपने आप हो जाएगा, उसका सपना मोदी को सत्ता से हटाना है। प्रधानमंत्री को इस बात का संतोष है कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ देशवासी गरीबी से निकलकर 9 मध्य वर्ग में शामिल हो गए हैं। विपक्ष गदगद है कि कर्नाटक में भाजपा को हरा दिया है। जनतांत्रिक व्यवस्था में नेता का कद तय करने वाले तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और उसकी दृष्टि उसके सपने देखने और उन्हें साकार करने की क्षमता है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हो, क्योंकि उनकी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी का भाषण और प्रधानमंत्री मोदी का भाषण बताता है कि दोनों के बीच के अंतर को पाटने के लिए 2047 तक का समय भी बहुत कम है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद का सत्र नहीं चलने दिया, लेकिन इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का तथ्यात्मक और तार्किक बातों का जवाब देने का साहस भी किसी विपक्षी नेता में नहीं हुआ। सत्तारूढ़ दल और आज के विपक्ष में सबसे बड़ा अंतर यही है कि एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ रहा है और दूसरा नकारात्मकता में जकड़ा हुआ है। विपक्ष अभी तक भविष्य के भारत की अपनी दृष्टि को देशवासियों के समक्ष रखने में असफल रहा है। एक पूरे देश को अपना परिवार मानता है और दूसरा परिवार को ही देश मानता है। पहले को लगता है कि देश बढ़ेगा तो देश भर के परिवार बढ़ेंगे, क्योंकि देश ही उनका परिवार है। दूसरे को लगता है कि उसके परिवार के विकास पर ही देश का विकास निर्भर है। एक ही नज़र में सामाजिक न्याय और आप देखते हैं कि कार्य सबको समानता की दृष्टि से देखना है और समान अवसर देना है। दूसरे को लगता है कि एक वर्ग के तुष्टिकरण से वोट मिलता है तो कोई बुराई नहीं है। एक ही नज़र में आप देखिए भ्रष्टाचार वह दीमक है जो देश के विकास को खोखला कर देता है। दूसरे को लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए कुछ कहना करना सीधा उस पर हमला है। ऐसे में रहीम दास की जी याद आते हैं जो लिख गए कि कहूँ रहीम कैसे निभे बैर कैर को संग, वे दौलत रस आपने उनके फाटत अंग। दोनों पक्षों में बुनियादी अंतर यही है कि मोदी जिन बुराइयों से लड़ने की बात करते हैं, विपक्ष को उन बुराइयों में कोई बुराई दिखती ही नहीं है। शायद आप देखते हैं कि यह भी एक बड़ी वजह है कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच आप देखिए संवादहीनता, और संवाद के लिए सबसे आवश्यक शर्त है कि दोनों पक्षों में कुछ मुद्दों पर सहमति है और इससे पहले कभी ऐसा नहीं रहा है। देश के प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष के बड़े नेता जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं वह किसी तरह के संवाद की संभावना ही खत्म कर देती है। हालांकि विपक्षी दलों की सबसे बड़ी समस्या संवादहीनता नहीं कुछ और है। विपक्षी समस्या यह है कि उसे प्रधानमंत्री मोदी में कोई अच्छा
अच्छाई दिखती नहीं है और देश का मतदाता मोदी की कोई बुराई देखने को तैयार नहीं, और इसकी काट विपक्ष को नहीं मिल रही है। इसलिए विपक्षी नेता हर वक्त खींचे हुए दिखाई देते हैं। वे मोदी उनके सरकार की आलोचना कम और उनके विरुद्ध बोलने के लिए अपशब्द खोजने में ज़्यादा समय लगाते हैं, इसलिए संसद नहीं चलने देते हैं। सत्तारूढ़ दल को बोलने का मौका मिलेगा और इस चक्कर में अपना कितना मौका गवा देते हैं इसका आकलन नहीं करते हैं। और संसद के सत्य दर सत्य विपक्ष की एक ही रणनीति है कि संसद को ठप कर दो। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं ये। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण जैसी कुरीतियां देश की खोखला कर रही हैं। और इस पर हम लोग कई बार, आप देखते हैं, बात कर चुके हैं। कल आप देखते हैं, कल भी हम लोगों ने, जो आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने लाल किले से बोला है, उस पर बात की हुई है। पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो आपको तो, ठीक है। सही चयन। दुविधा के क्षणों में प्रया नहीं सोचता है कि उपलब्ध विकल्पों में किसे चुने। सहज, आकर्षक, तुरंत लाभ देने विकल्प देते विकल्प को चुनना सुविधाजनक रहता है, किंतु यह बिरले ही हमारे दीर्घकालिक हित में होता है। ऊर्जा, ये आप देखते हैं, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। और देखिए एक और बात, आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, इसमें शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता है, तो बड़े अच्छे से पढ़ा करिएगा। सामंती मानसिकता का प्रदर्शन। नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय यानी कि NMML का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय अर्थात PMML करने पर कांग्रेस नेताओं ने जैसी तीखी आपत्ति जताई है, मोदी सरकार पर हमला हुआ है उसका औचित्य समझना कठिन है। चलिए आप देखते हैं कि नाम बदलने को एक दूसरे पर, आप देखते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। सद्भाव सर्वोपरि। एक तो झारखंड में अपराधी बेलगाम हुए पड़े हैं, वहाँ कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस मौके पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में लगे हुए हैं। धार्मिक स्थलों पर लोगों की भावनाओं को आहत करने की कार्रवाई करने वाले तत्वों पर सख्ती आवश्यक है। और आप देखिए, वरना दो समुदाय के बीच काफी, आप देखते हैं कि खाई बढ़ती जा रही है। कार्यबल में बड़ी महिलाओं की भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया है। इसके तहत 15,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन चलाने और मरम्मत रखने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगा और देश के कृषि तकनीक क्षेत्र को मजबूत करेगा। देखा जाए तो पिछले 100 साल में 7 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और इन वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह ने 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का, आप देखते हैं, ऋण प्राप्त किया है। स्वयं सहायता समूह उन महिला उद्यमियों के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहे हैं जो अपना उद्यम शुरू करना चाहती हैं। भारत में डेयरी उद्योग प्रति वर्ष 6% की दर से, आप देखिए, वृद्धि कर रहा है और जबकि वैश्विक वृद्धि दर मात्र 2% की है और देसी डेयरी उद्योग में 70% कामकाजी आबादी महिलाओं की है। भारतीय सेना में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज भारत में इंजीनियरिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा 43% है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक है। वहीं देश में लगभग, आप देखिए, 1/4 अंतरिक्ष विज्ञानी महिलाएं हैं। यही नहीं, भारत उन देशों में भी शामिल है जहां महिला पायलटों की संख्या सबसे ज्यादा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं आरंभ हुई हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, रसोई गैस से जुड़ी PM उज्ज्वला योजना हो गई। इसके तहत आप देखिए, 10 करोड़ कनेक्शन महिलाओं को दिए गए और इसने भोजन पकाने में लगने वाले समय को कम किया है। कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा जनधन खातों के जरिए वित्तीय तंत्र की मुख्यधारा में महिलाओं को शामिल कर होने से भी उनमें स्वावलंबन की भावना बढ़ी है। वर्तमान में देश के की करोड़ों महिलाएं न केवल अपने परिवार की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं बल्कि अर्थव्यवस्था के एक नए आयाम भी खोल रही हैं। आज ग्रामीण स्थानीय निकायों में आप देखिए, 46% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं। स्टैंड अप इंडिया महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की योजना है के तहत 80% लाभार्थी महिलाएं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70% महिलाओं को ऋण दिया गया है और भारत की महिला कार्य भागीदारी दर पर 2021 में आप देखिए लगभग 25% थी, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सबसे कम थी। जाहिर है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण देश के विकास को गति देगा देता है। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा करना है तो कार्यबल में आप देखिए, आधी आबादी की भागीदारी बढ़ानी होगी। यहाँ भी आप देखिए, छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं अभी। सशक्त, समर्थ भारत, सपने और चुनौतियाँ। प्रत्येक राष्ट्र अपनी धरोहर और विरासत के आधार पर भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है और अपने नागरिकों को एक श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में भागीदार बनाता है। मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन स्वर्णिम अतीत की विरासत के आधार पर भविष्य के भारत के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ने 1,000 वर्ष की गुलामी के कारण को
कारणों को स्पष्ट करते हुए अगले 1000 वर्ष की रूपरेखा दर्शाते हुए भारत को एक महान राष्ट्र में बदलने की योजना प्रस्तुत की है। मानवता आधारित भारतीय दर्शन की बात हो रही है। एक बात आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रधानमंत्री साहब का, राष्ट्रपति साहब का जब भी कभी भाषण हुआ करे तो सुन जरूर लिया करिएगा। खरी खरी पराय दुख दुबलापन, ये तंज कसा जाता है एक तरह से। ये कांग्रेस के प्रथम ग्रास में ही मक्की। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव है विधानसभा इसी साल। आप दिखाइए ना प्रगति को अपना प्रभाव। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है और आप देखते हैं कि कहते हैं ना कि प्रकृति जब बदला लेना शुरू करती है तो हम खून के आंसू रोने लगते हैं। देखिए वही चल रहा है। खदानों के पास ही लगाएं बिजली संयंत्र। कोल इंडिया की सहायक कंपनी को निर्देश, उत्पादन लागत में आएगी इससे कभी और अतिरिक्त कोयला उत्पादन का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगी बिजली कंपनियां। मंत्रालय ने कहा है कि संयंत्रों का निर्माण ऐसे करें जिससे वहां सौर पैनल भी लग सके और खदान के पास संयंत्र लगाने से 2.5 रुपये प्रति यूनिट की लागत आने का अनुमान भी जताया जा रहा है। कोल इंडिया मध्य प्रदेश में लगाएगी 660 मेगावाट का प्लांट, ये भी कहा जा रहा है। 5 लाख से अधिक प्रीमियम वाली पॉलिसी के नियम तय होने की बात हो रही है। अगस्त के पहले पखवाड़े में घटी पेट्रोल डीजल की मांग। जी पार्टनर्स ने अदानी पावर में हिस्सेदारी खरीदी, आप देखेंगे। नई किया सेल्टोस के लिए 31,716 बुकिंग, वाहन कंपनी है ना उसी की बात हो। भारतीय रेल वित्त निगम ने हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। सेलिंग फैन के लिए गुणवत्ता मानदंड जारी करने की बात हो रही है। यूपी में आज से 50 रुपये प्रति किलो मिलेगा टमाटर, अब तो आप देखते हैं कम हो चुका है। नेपाल से आने वाले 5 टन टमाटर की रियायत दर पर होगी बिक्री। शाहरुख खान बने सनफिश डार्क फैंटेसी के ब्रांड एम्बेसडर। अप्रैल तक आप देखिए 18 करोड़ तरल डीएपी का उत्पादन की बात हो रही। 3 यूनिट में 6-6 करोड़ बोतलों का किया जाएगा उत्पादन। 90 लाख टन दानेदार अमोनियम फॉस्फेट के बराबर होगी कुल मात्रा, अच्छी बात है। आप देखिए जीबीआईसी भारत में निवेश के लिए सहयोग बढ़ाएंगे, सीतारमण वित्त मंत्री साहिबा कह रही है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक की बात हो रही है। सरकारी अधिकारियों को असाधारण मामलों में ही कोर्ट में बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एसओपी दाखिल कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी का दिया सुझाव। कहा सरकारी अधिकारियों की पोशाक व शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी से बचे कोटे। क्रूरता की विशेष श्रेणी में आता है जीवन साथी पर अवैध संबंध का झूठा आरोप, ये हाईकोर्ट कह रहा है। पारिवारिक न्यायालय के तलाक के आदेश के तर्क संगत बता दें महिला की अपील पर अपील याचिका खारिज कर दी। आजकल इस तरह के मामले बहुत आ रहे हैं और आप देखते हैं कई अदालतें इस पर फैसला भी दे रही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने के लिए तालिबानी नेताओं पर चले मुकदमा। यह संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक शिक्षा मामलों के विशेष दूत गार्डन ब्राउन ने कहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपील की है। एक तो यूएन के बारे में याद रखिए, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिले। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल, किसकी बात हो रही है बताइए, इंटरनेशनल क्रिमिनल अपराध नियंत्रण अपराध न्यायालय की बात हो रही है। आईसीसी इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना तो आप देखते हैं कि रोम संविधि को अपनाया गया था इसमें 17 जुलाई 1998 में। सेना में प्रवेश 1 जुलाई 2002 में लिया इसमें। इसकी कामकाजी की भाषा अंग्रेजी फ्रेंच है, ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान में आम चुनाव अगले साल फरवरी में होंगी, नवाज शरीफ कह रहे हैं, देख लीजिए। याद देखिए 92 वर्षीय रूपर्ट मार्डोक 66 वर्षीय सेवानिवृत्त वैज्ञानिक को कर रहे हैं डेट, देख लीजिए। 92% 92 साल की उम्र में। न्यूयॉर्क में कोणार्क मंदिर के चक्र की प्रतिकृति का अनावरण किया गया। इस सप्ताह के लिए यहाँ पे दर्शनीय के लिए रहेगी ये प्रतिकृति।
दक्षिण चीन सागर के विवादित द्वीप पे हवाई पट्टी का निर्माण कर रहा है डैगन। ये चाइना है, आप देखते हैं कुछ भी करता रहता है ये तो। 5,500 वर्ष पुराना द्वार मिला यहाँ। इजराइल के पुरातत्वविदों ने क्रियत गेट के औद्योगिक क्षेत्र के समीपावधि के 5,500 वर्ष पुराने द्वार की खोज की है, और जो अब तक मिली सबसे पुरानी संरचना है। पुरातन प्राधिकरण के अनुसार पाइपलाइन बिछाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में की जा रही खुदाई के दौरान यह संरचना मिली है। प्राधिकरण के एली एस्कोट से सीडो का दावा है कि देश में सबसे प्राचीन शहर द्वार की खोज है। पुरातत्वविद दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। प्राचीन द्वार को संरक्षित करने के लिए आप देखिए पाइपलाइन को स्थानांतरित करने का निर्णय लेने की बात हो। ये भारत ने श्रीलंका को वैकल्पिक निगरानी विमान सौंपा। भारत की G20 अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ को दी आवाज। दोराई स्वामी कह रहे हैं भारतीय उच्चायुक्त ने अमृतकाल के लक्ष्यों का उल्लेख भी किया है। कहा पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि हर वर्ष को विशेष बनाया जाए। और G20 के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे आप लोग लिखिए, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। मस्क के आते ही पर्यावरणविदों ने बड़े पैमाने पर ट्विटर छोड़ा। आप देखिए पिछले 6 माह में आप देखिए 3.80 लाख यूजर्स में से सिर्फ 52.5% ही सक्रिय हैं। देखिए उत्तर कोरिया में शरण चाहता है अमेरिकी सैनिक टेविन्स किंग। ये दावा सैनिक ने अमानवीय दुर्व्यवहार व नस्ली भेदभाव के कारण घुसपैठ की है। फ्रांस में दानावल। दक्षिण पूर्व फ्रांस के सेंट आंद्रे के जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। देखिए पर्यावरण को नुकसान होता है सबसे ज्यादा इस तरह से। एक खेल का क्षेत्र है, बिना महिला कोच के ही दल भेज रहे थे 13 खेल महासंघ। खेल मंत्रालय ने सभी को महिला कोच शामिल करने का दिया निर्देश। महिला सुरक्षा को लेकर साई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ है इसमें। मोहित बने जूनियर विश्व चैंपियन से। भारत के मोहित कुमार बुधवार को यहां पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में रूस के एल्डर आखम दुनी नो को हराकर 2019 के बाद विश्व जूनियर्स कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दूसरे वाले बनने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं, जबकि प्रिया खिताब जीतने वाली देश की दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में आप देख रहे हैं एक गुकेश और विदित गुजराती बाहर। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुडरेस गुकेश और विदित संतोष गुजराती की बात हो रही है। ये नॉर्वे और ए को बुधवार को यहाँ क्रमशः नॉर्वे के मैग नस कार्लसन और अजरबैजान के निजात आबासोवे ने से हार कर फेडे विश्व कप सदन टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा। वनडे विश्व कप में खेलेंगे बेन स्टॉक्स, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड ने पहली बार महिला फुटबॉल विश्व के फाइनल में पहुंची है। देखिए नोवाक जोकोविच अमेरिका में 2021 के बाद पहला मैच हारे। आप देखें 23 पुरुषों में 23 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप नोवाक जोकोविच की बात हो रही है। कोलकाता में नौसेना की स्वदेशी युद्धपोत बिंदगिरी का जल अवतरण करेंगी राष्ट्रपति साहिबा। कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा है युद्धपोत का नाम। प्रोजेक्ट 17 के तहत नौसेना के लिए बनने वाले 7 युद्धपोत 5 हो चुके हैं लॉन्च इसमें। चलिए आप देखिए बच्चे वीडियो कॉल के साझे से आजकल आप देख रहे हैं कि सदुपयोग भी काफी हो रहा है, दुरुपयोग भी काफी हो रहा है, ध्यान रखा करिएगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में लुप्त हो रही भाषाएं। जलवायु परिवर्तन का असर केवल हमारे मौसम या तापमान तक ही सीमित नहीं है रह गया, बल्कि यह अप्रत्यक्ष रूप से प्राचीन भाषाओं को खत्म करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। मेलबर्न के ग्रज यूनिवर्सिटी के अध्ययनकर्ताओं ने इस संदर्भ में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है, और रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण आपदाओं की वजह से भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। इस पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो हम भविष्य में कई भाषाओं को खो देंगे। रिपोर्ट के अनुसार लुप्त प्राय मानी जाने वाली भाषाओं में से 1/3 से अधिक भाषाएं पपुआ न्यू गिनी वानुअतु इंडोनेशिया भारत और फिलीपींस में बोली जाती हैं। पर्यावरणीय आपदा से होने वाले विस्थापन भाषाओं के लिए बन रहा है मुसीबतें। खो रहे भाषाओं में समाहित महत्वपूर्ण ज्ञान। भारत में लगभग आधी भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं। 7,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं दुनिया भर में। 10.8 करोड़ से अधिक लोग जबरन विस्थापित हुए 2022 में दुनिया भर में। 839 भाषाएं बोली जाती हैं पपुआ न्यूगिनी में, जिनमें 313 भाषाएं लुप्त प्राय हैं।
हैं और 6.1 करोड़ लोग अपने ही देश में विस्थापित हुए हैं। 400 भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं भारत में, देख लीजिए। ये सैंपल के फेल पास का खेल, रिपोर्ट में अटका, ये आप देखेंगे। निबाला, CGAL के ने कई जिलों के फोर्टिफाइड चावल की कंटेटों को सैंपल कर दिए थे फेल, दूसरी बार FCI के लैब में पास हुए। ये फोर्टिफाइड चावल क्या होते हैं? साधारण चावल पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होते, इनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिला दिया जाता है। इनमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड आदि तत्व होते हैं जिसे मशीन के माध्यम से मिक्स किया जाता है। ये पोषक तत्व मिला चावल बच्चों व व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। निर्धारित मात्रा से अधिक चावल को मिला दिया जाए तो बच्चों को ग्रोथ रोकने सहित अन्य बीमारियों की चपेट में भी आ सकता है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाएगी, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। एक ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने माइकल। 2008 में आज ही के दिन अमेरिकी तैराक माइकल फिलिप्स एक ओलंपिक बीजिंग में 8 स्वर्ण जीतने वाले दुनिया के पहले एथलीट बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के ही तैराक मार्क स्पिटज के नाम था। माइकल ओलंपिक के सबसे सफल एथलीट माने जाते हैं, उनका रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है। भारत पाक को अलग करने वाली रेडक्लिफ लाइन की घोषणा, 1947 में आज ही के दिन भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम ऐलान किया गया जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानता है। ब्रिटिश वकील सेरिल रेड क्लिफ ने धार्मिक जनसांख्यिकी के आधार पर आपदी सीमा का निर्धारण किया था। इसके बाद बंटवारे की वजह से भारी हिंसा हुई और लाखों लोग मारे गए थे। ख्याति प्राप्त तो उपन्यासकारों में गिने जाते हैं अमृत लाल नागर। उपन्यासकार अमृत लाल नागर का जन्म 1916 में आज ही के दिन आगरा में हुआ था। करियर की शुरुआत लेखक और पत्रकार के रूप में, पहला कहानी संग्रह वाटिका 1935 में प्रकाशित हुई। 1956 में आपदी बूंद और समुद्र के प्रकाशन के बाद हिंदी के प्रथम श्रेणी के उपन्यासकारों के रूप में मान हो गए। 1965 में प्रकाशित अमृत और विश्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। मानस का हंस, गदर के फूल, खजन नयन उनकी मुख्य रचनाओं में शामिल हैं। 1981 में आप देखिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सफेद सुअर की नई प्रजाति विकसित कर बीमारियों का इलाज तलाशे की विज्ञानी, IC AR ने पहली बार मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर को सौंपी शोध की जिम्मेदारी। पूर्वोत्तर और आंध्र प्रदेश में सुअर के मांस की बढ़ती मांग को देख बढ़ाया गया ये शोध का दायरा। पूर्वोत्तर दक्षिण भारत की मांग की नजर मद्देनजर बड़ी शोध की जरूरत है। रेत में दफन हो गया पूरा बसाया गांव। कहा जाता है कि समय से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। समय जब मार पड़ती है तो शक्ति संपन्न साम्राज्य भी खाक में मिल जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दक्षिण पूर्व में दुबई से लगभग आप देखिए 100 किलोमीटर दूर आदाम मदाम क्षेत्र में ऐसा ही गांव है जो रेत के नीचे दफन हो गया है। इसे अब घोस्ट विलेज कहा जाता है और आप देखिए नाम से पुकारा जाता है। और 20वीं सदी के 7वें दशकों तक यहाँ अल कुतुबी जनजाति के लोगों की बहुतायत थी। प्रमाणिक रूप से कोई नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ कि पूरा गाँव रेत में धंस गया और अब निशानी के तौर पर कुछ ही गेट नजर आते हैं। और आप देखते हैं कि लोग मानते हैं कि इस गांव पर जिन्नों ने हमला कर दिया था। देखिए, वजन कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है माइक्रोग्रीन, ये अनुसंधान कह रहा है। जिंक से भरपूर गेहूं की एक और नई किस्म तैयार करने की बात हो रही, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने। PBW जिंक 2 तैयार की है, रेटिना तक दवा पहुंचाएगी, यह खास निडल दूर होगी रतौंधी। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर ने 2018 में की थी तैयारी, 5 साल तक देश दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों से सत्यापन के बाद मिला पेटेंट। ये परवेज ने निडल का नाम सुप्रा खोराइडल निडल 500-900 माइक्रो यूनिट रखा है जिसे पेटेंट में माइक्रो निडल फॉर ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी नाम दिया गया। और केंद्र सरकार के पेटेंट कार्यालय ने 10 अगस्त को पेटेंट प्रमाण पत्र भी जारी किया है। होमवर्क के लिए पड़ी डांट तो पहुंचा पुलिस स्टेशन, बीजिंग चाइना की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।
बस आप लोगों को शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। बस मेहनत आपको करनी है और अच्छे से मेहनत करते रहिए।